In this video, we are going to explore gapminder data through visualization. So at the end of this video, you will be able to see this graph constructed. We'll see how we'll have these titles, subtitles, captions, how we can have this population, continent colors, and rightly labeled horizontal and vertical and horizontal axis. तो इसमें हम ggplot2 जो है लाइब्रेरी यूज करेंगे, जैसे हमने dplyr यूज करते रहे हैं, gg ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स. तो स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स जो है ये मैपिंग ऑफ वेरिएबल्स होता है टू एस्थेटिक एट्रीब्यूट ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट. अभी हम देखते हैं कि एस्थेटिक, ज्योमेट्रिक, ज्योम, एईएस की क्या चीज है. तो तीन मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जब हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे. पहली चीज होगी डेटा, जो इस केस में हमारे पास गैपमाइंडर 2007 या 2002 का डेटा लेंगे. ज्योम, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है, क्या हम लाइन चार्ट चाहते हैं, पॉइंट चाहते हैं, बार बनाना चाहते हैं, बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं, हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं. तो ये जो ज्योम ऑब्जेक्ट है ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चार्ट किस तरह के डेटा के लिए बनाना चाहते हैं. और एस्थेटिक एट्रीब्यूट्स क्या चीज होती है कि आपकी एक्स और वाई पोजीशंस क्या क्या हैं, कलर कौन सा यूज करना है, शेप कौन सी यूज करनी है, डॉट्स यूज करने हैं, ट्राइंगल्स यूज करनी है, तो साइज आपका लाइन का, पॉइंट का कम रखना है, ज्यादा रखना है. तो पांच मेन ग्राफ्स हैं जिसकी हम बात करेंगे इन वीडियोस में. आज जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट्स. लाइन ग्राफ्स, बॉक्स प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, बार प्लॉट्स बहुत वाइडली यूज्ड हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्कैटर प्लॉट की बात करने जा रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू यूज आर. तो आर में फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लाइब्रेरी गैप माइंडर, लाइब्रेरी dplyr, लाइब्रेरी, आज मैं एक पैकेज जो यूज करने जा रहा हूं दैट इज ggplot2, दैट इज ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, वेरी वाइडली यूज्ड और बहुत ही हाईली डिजायरेबल स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. तो यहां पे ये पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, अगर नहीं हो तो मैंने पहले कहा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके, तो इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इस पैकेज का नाम लिख दीजिए. तो सबसे पहले हम गैपमाइंडर 2007 का डेटा अगर मौजूद है तो फाइन हो गया, तो ये हमारा डेटा हो जाएगा क्योंकि ये पिछले अभी डेटा जो है इसकी मेमोरी में चल रहा है. तो यहां पे हम एक जीजी प्लॉट डेटा हमारे पास क्या है, इक्वल टू गैप माइंडर 2007. मैपिंग क्या है, मैपिंग इक्वल टू एस्थेटिक. एस्थेटिक में हम एक्स क्या देना चाहते हैं, एक्स हमारा जीडीपी पर कैपिटा और Y हमारे पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब बात यह है कि और आपने कोई चीज ऐड करनी है, एडिशनल फीचर्स जितने, तो प्लस साइन के बाद न्यू लाइन पे भी आ सकते हैं, प्लस यहां पे ऊपर वाली लाइन में रहना चाहिए या इसी से आगे. तो यहां हम स्कैटर प्लॉट देखना चाहते हैं, तो ज्योम पॉइंट, तो आपके पास ये स्कैटर प्लॉट बन गया. आप चाहें तो इसको जूम करके अलग से देख सकते हैं. तो ये जीडीपी पर कैपिटा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जब जीडीपी पर कैपिटा इन जनरल हाई होता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है. यहां पे थोड़ी सी एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि जी जीडीपी तो पर कैपिटा जो है वो ज्यादा है, लेकिन इन कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है. तो ये एनोमलीज या इन चीजों की वजह से हम कहते हैं जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर, बट इन जनरल जीडीपी पर कैपिटा जो है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एसोसिएटेड है. कॉजेशन है या नहीं है ये अलग से हम अपनी बहुत देर बाद कुछ जो है इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हुए बातें करेंगे. अब इस ग्राफ को हम फर्दर इंप्रूव करते हैं. इस ग्राफ को फर्दर इंप्रूव करने के लिए लेट्स से मैं जीडीपी पर कैपिटा का लॉग स्केल लेना चाहता हूं. टू सेव टाइम मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं. तो और यहां पे मैंने ऐड कर दिया प्लस, सिर्फ मैंने एक्स का लॉग लेना है, लॉग्स एक्स स्केल्स, स्केल एक्स लॉग 10. तो
ये देखिए, ये मेरे पास जो ग्राफ है इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, तो ये मेरे पास जो है वो ग्राफ ये मेरे पास चेंज हो गया और ये किसी हद तक लीनियरिटी आ गई। तो इसलिए कहते हैं लॉग लेने से बाजू का नॉन लीनियर डेटा थोड़ा सा लीनियर हो सकता है, ज्यादा लीनियर भी हो सकता है। अब इससे नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहता हूं, लेट्स से मैं इसी ग्राफ को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स कलर करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं एस्थेटिक में एक चीज ऐड करने जा रहा हूं, यहां पे मैं इसको कलर कर देता हूं, कलर इक्वल टू कॉन्टिनेंट, क्योंकि अभी आपको यहां से कोई चीज नहीं पता चल रही थी कि किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, कौन से कॉन्टिनेंट्स ज्यादा। तो कंट्रोल एंटर आपने प्रेस किया, अभी ये नई कमांड, तो बेसिकली ये एरर आएगा, आप उसकी वजह ये हुई है कि हमने ये अपना कमांड जो है वो सही नहीं लिखी थी, इसलिए बेहतर है कि अपनी कमांड्स को आप प्लस के बाद न्यू लाइन में शिफ्ट करते जाएं। अब ये प्लस एडिशनल था जिसकी वजह से हमें ये एरर आया। तो यहां देखिए ये कॉन्टिनेंट्स के लिहाज से, इसको जूम कर रहा हूं, तो ये देखिए कॉन्टिनेंट्स के लिहाज से कलर हो गया, तो ये 3D चार्ट बन गया। अगरचे मैं हमेशा कहूंगा 3D चार्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, बट यहां पे हमने थर्ड डायमेंशन कलर ऐड कर दी, अफ्रीका एज यूजुअल, लो GDP, लो ये ग्रीन डॉट एशिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए कौन सा कंट्री है, ग्रीन डॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइडली जो है वो स्कैटर्ड है, ब्लू जो है वो देखिए तो यूरोप और ये जरा इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है, GDP में फर्क है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है। अब हमने देखिए अभी हमारे पास इस ग्राफ में जो है लेबल प्रॉपरली नहीं है, उसके साथ साथ ये आपके पास जो है इसका टाइटल नहीं है, तो हम टाइटल्स भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको पॉपुलेशन साइज के लिहाज से ये बबल्स को एडजस्ट करना चाहता हूं, तो यही प्लॉट मैं दोबारा से ले रहा हूं और एक डायमेंशन और एड कर रहा हूं, एंड दैट इज यहां पे मैं साइज क्या एड कर रहा हूं। हमें पता है कि एक वेरिएबल हमारा था साइज इक्वल टू POP पॉपुलेशन, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, तो लुक हियर, तो ये मेरे पास जो है वो एक अलग से पूरा, तो ये आपको पता है सबसे बड़ा बबल कहां का होगा, ऑब्वियसली ये चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये वाला ये पाकिस्तान होगा, ये बांग्लादेश होगा, या थोड़ा सा आपस में स्वैप कर सकते हैं, ग्रीन डॉट एक यहां पे पड़ा हुआ है, सोचिए कौन सा है। तो ये आपके पास जो है बबल चार्ट जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन भी यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया पॉपुलेशन, ये आपको एक आइडिया हो रहा है कि पॉपुलेशन साइज के लिहाज से और कॉन्टिनेंट कलर्स के लिहाज से GDP और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे एसोसिएटेड है। अब मैं यहां पे लेबल्स भी देना चाहता हूं, तो एक ये है कि मैं इसी को P कह दूं, P लेस देन, अब अगर मैं रन करूंगा तो ये नहीं ऑपरेट, ये आपको ग्राफ नहीं शो होगा क्योंकि अब आपने इसको एक ऑब्जेक्ट P में स्टोर कर दिया। अब यहां पे लिखें P+ और यहां पे मुझे थोड़ी सी परमिशन दे दें कि मैं इसको बहुत ज्यादा आपका टाइम लेने की बजाय अगर मैं यहां से कहीं से एक चीज को लेबल कर लूं, ये मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया था, तो मैं यहां पे इसको लेबल कर रहा हूं और इसको लेके जा रहा हूं, यस, तो ये मैंने ये देखिए एक्स मेरे पास GDP पर कैपिटा, वाई मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स, टाइटल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सब टाइटल डेटा पॉइंट्स आर कंट्री ईयर्स, कैप्शन हमारा डेटा सोर्स गैप माइंडर है, इसको मैंने रन कर दिया, तो ये मेरे पास जो है वो देखिए वही वाला ग्राफ आ गया जो मेरे पास पहले शो हो रहा था। लास्ट इंटरेस्टिंग चीज करके मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, एक पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइब्रेरी मैंने किया हुआ है GG plot2, तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं GG plot2, और यहां पे इस वेरिए इसको अगर मैं P1 कह दूं P11, तो देखिए GG plot2 फंक्शन में रन करता हूं, थोड़ा सा नजर आने के लिए मैं इसको यहां पे ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी के लिए GG plot2, तो यहां पे ये देखिए अगर आपको फंक्शन है तो वो कहीं से मिल जाएगा, और यहां पे मैं इसको कह रहा हूं P11, लेकिन उससे पहले मुझे इसको रन करना है, तो ये मेरे पास GG plot2, तो अब आप देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इमर्ज होगी कि यहां पे ये अब आपके पास एक इंटरएक्टिव ग्राफ बन जाएगा,
अब यहां पे मैं इसको ये लिखिए, ये हर कंट्री का वो आपके पास, तो चाहे आप इसको जब वेब पे पब्लिश करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही शो होगा, तो यू कैन यूज इट। और वाई इट्स नॉट जूमिंग टू चेक इट आउट एनी, तो ये देखिए आप इसको चाहे तो ये प्लॉटली ये आपके पास ग्राफ आ गया। आई होप आपको कुछ यहां पे ग्राफ बनाने का तरीका पता चला होगा। हमने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्कैटर प्लॉट की बात की है। एक मिनट में समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमने डेटा लिया है, डेटा के साथ हम ये मैपिंग जो है वो इसको एस्थेटिक में जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे लाइफ, कलर के कॉन्टिनेंट के लिहाज से कलर करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। जियाम पॉइंट का मतलब ये था कि मैं यहां पे स्कैटर प्लॉट लेना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे जियाम लाइन ले लेता जो कि यहां पे बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो आपके पास जियाम लाइन, जियाम बॉक्स प्लॉट, जियाम हिस्टोग्राम, जियाम बार, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन जो है वो मिल सकती है। तो वील डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर कमिंग वीडियोज एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।